भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ, आप सभी को पता है, सारे दिन से ये खबर चल रही है कि उनका और ज्योति सिंह का डिवोर्स होने वाला है। आरा की फैमिली कोर्ट में जाकर पवन सिंह के वकील ने ये पिटीशन दायर कर ली है। आपको ये जानकारी दे दें कि अक्टूबर में, यानी कि 2021 के अक्टूबर में, पिछले साल ही ये पिटीशन दायर की गई थी। अब इस पर सुनवाई होगी। आपने ज्योति सिंह की तरफ से उनके वकील का पक्ष सुन लिया था, लेकिन पवन सिंह की तरफ से उनका पक्ष क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन सिंह ने सिर्फ ज्योति सिंह से अलग होना ही अपने पिटीशन में दायर किया है, और ये भी कहा है कि वो शांति से, सर्वसम्मति से ज्योति सिंह से अलग होना चाहते हैं। लेकिन उनके वकील ने जिस तरह के खुलासे किए हैं, उसके बाद आप अगर पवन सिंह के वकील की सुनेंगे तो आपके कई होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे खुलासे हैं जो कि सुनने के बाद ऐसा यकीन नहीं होता है कि ज्योति सिंह ऐसा कर सकती हैं। यहाँ पर वकील ने ये कहा, जो कि पवन सिंह के वकील की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ज्योति सिंह जब 2019 में पवन सिंह के घर से गई थी तो अपने सारे गहने और जो पवन सिंह की तरफ से उनको शादी में गहने दिए गए थे, वो सारे गहने वो लेकर गई थी, और उनके पिता आए थे पवन सिंह के घर ज्योति सिंह की विदाई करवाने। और फिर उसके बाद ज्योति सिंह जो गई, वापस वो पवन सिंह के लाइफ में नहीं आई, यानी कि 2019 के बाद वो पवन सिंह के घर पर नहीं आई हैं। और 2020 में पवन सिंह खुद गए हुए थे वो ज्योति सिंह को मनाने, कई बार ये कहा गया, यानी कि पवन सिंह के परिवार की तरफ से, पवन सिंह की तरफ से कई बार ज्योति को कॉन्टैक्ट किया गया है। और यहाँ पर पवन सिंह के वकील ने ये बात भी खुलासा किया है कि जब इन दोनों का डिवोर्स होने की बात हुई थी, तो वकील ने यहाँ ये कहा था कि ये दोनों की सर्वसम्मति थी, पहले ये ही बात हुई थी कि दोनों जाएंगे और डिवोर्स ले लेंगे। यहाँ पर वकील ने कहा था कि मैंने खुद ज्योति सिंह से बात की, तो ज्योति सिंह ने मुझे जवाब दिया कि हाँ, वो पवन सिंह से अलग होना चाहती हैं, एक बड़ा इंसान बनना चाहती हैं, जीवन में कुछ करना चाहती हैं, आगे पढ़ाई करना चाहती हैं। तो वकील साहब ने उनसे ये पूछ लिया कि क्या आपको इसके लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प पवन सिंह से चाहिए, तो उन्होंने कहा था हाँ मुझे चाहिए, और पवन सिंह इस पर भी राजी हो गए थे। और ये बात तय हो गई थी कि अब इन दोनों के बीच, यानी आपसी सहमति से, डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब वकील महोदय ने ये कहा कि उन्होंने पर्सनली फिर ज्योति सिंह से बात की और फिर से डिवोर्स के बारे में पूछा, और जहां पर पवन सिंह से डिवोर्स ना लेने की बात की ज्योति सिंह ने, और ये कहा कि वो पवन सिंह के परिवार को और उनको आगे तंग करेंगी, उन्हें डिवोर्स नहीं देंगी। यानी ज्योति सिंह ने अपनी तरफ से जो एलिगेंस लगाए हैं वो तो बहुत ही संगीन है, पवन सिंह के जो वकील हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं वो कम संगीन नहीं लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पवन सिंह पत्नी पूरे प्री प्लान्ड कर उन्होंने पवन सिंह का घर छोड़ा था, और वो प्री प्लानिंग की तहत ही उन्हें तंग करना चाहती हैं। और जैसे ही डिवोर्स का नाम आया, एलिमनी की बात आई, वो झट से राजी भी हो गई इसके लिए कि उन्हें पैसे चाहिए, उन्हें पवन सिंह के लाइफ में नहीं रहना है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातों का खुलासा पवन सिंह के वकील ने किया है। तो क्या कहेंगे आप हमारी इस रिपोर्ट के बारे में, क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट के बारे में, क्या पवन सिंह को अपना पक्ष रखना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।